अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सद्दक हुसैन। आज मैं आपको नौवें चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का बाकी हिस्सा करवाऊंगा। कंप्यूटर के कौन कौन से अहम हिस्से होते हैं और ये क्या काम करते हैं, आज का हमारा लेसन नंबर जो है वो 46 है और इसका आंसर जो है हमने जो पहले करवाया था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक करवाया था। आज हम कराएंगे आउटपुट आलात। आउटपुट आलात सीपीयू से मालूम वसूल करता है और कंप्यूटर में होने वाले अमल को जाहिर करता है। इसकी एक मिसाल मॉनिटर है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसकी स्क्रीन पर टेलीविजन की तरह कंप्यूटर का सारा अमल दिखाया जा सकता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के नतायज को कागज़ पर प्रिंट करता है। आजकल बहुत सी किस्मों के प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें डॉट मीटर को लेज़र, इंक जेट और बबल जेट प्रिंटर वगैरह शामिल हैं। स्पीकर सिग्नल को आवाज़ में बदलता है और ये भी आउटपुट डिवाइस है। रोबोट कंप्यूटर से मिलने वाली हदायत पर अमल करता है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट को कैसेट, फ्लॉपी डिस्क या सीडी पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आवाज़ के अलावा सीडी पर भी वीडियो, फिल्म और कंप्यूटर डाटा भी स्टोर किया जाता है, जैसे कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ अर्सा पहले तक यही याद किया जाता था कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले, इंफॉर्मेशन हासिल करने का वाहिद डिवाइस किताबें हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले दूसरे डिवाइसेस मसलन ऑडियो, वीडियो कैसेट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्डवेयर डिस्क वगैरह मकबूल हो चुके हैं। दफ्तर, बैंक, यूनिवर्सिटियाँ और दीगर अदारे अपना सारा काम रिकॉर्ड कागज़ों पर रखने की बजाय इन डिवाइसेस पर मुंतकिल करते जा रहे हैं। ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत कम जगह में स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम आसानी के साथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सवाल आज मुकम्मल हुआ, इसको आपने अपने सिर कॉपी पर नोट कर लेना है और उसे याद भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।